प्रेज द लॉर्ड। किस किस को मालूम है यहाँ भविष्य दुआएं की गई थी कि जो लोग साइकिलों पर आते हैं वो बाइक में आएंगे, और जो बाइक पर आते हैं वो, और जो रेंट की गाड़ी में आते हैं वो अपनी गाड़ी में आएंगे। आमेन। किस किस को याद है? अभी इनकी गवाही सुनेंगे। मैं यमुनानगर जिले से आता हूँ, मेरा नाम संगम है। 8-9 महीने से, 1 साल हो गया हम यहाँ पर आ रहे हैं प्रभु की कृपा से। ये 1 साल से यहाँ आ रहे हैं, ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर खारबन से आते हैं 1 साल से। कितना किलोमीटर है वो वहाँ से यहाँ तक? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर आना और 100 किलोमीटर जाने का सफ़र कर 1 साल से यहाँ आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। रेंट पे आते थे हम पहले, अब हम ध्यान से सुनिएगा, ये कह रहे हैं कि 1 साल से हम, मीन्स इनका पूरा परिवार, किराए की गाड़ी करवा कर यहाँ आते थे। कितना किराया लगता था? 1600 रुपये। 1600 रुपये अप एंड डाउन? हाँ जी। 1600 रुपया इनका 1 हफ्ते का लगता था, तो पूरे महीने का कितना हो गया? कितना हो गया? 6400 रुपया हो गया। 6400 रुपया ये 1 महीने का वहाँ से यहाँ आकर खर्च करते थे और ऑफरिंग भी देते थे। यस। ये ऑफरिंग भी देते थे और दशमांश भी। Yes. हाँ जी। Yes. और दशमांश भी देते थे रेगुलर बिना नागे। प्रेज द लॉर्ड। इनके आपके दिमाग में ये नहीं आया कि हम इतना खर्च करते हैं यार, दशमांश क्या देना, दशमांश किराए में लगा लिया करेंगे? नहीं ऐसा नहीं। हाँ जी। नहीं ऐसा कभी नहीं, कभी नहीं आया। 1 साल तक ये ऐसा करते रहे। अब इनकी आशीष सुनिए। अभी बहुत आशीष है हमारे घर पे। कितनी आशीष है? कुछ कह नहीं सकते। आमीन। ये कुछ कह, इसका मतलब आशीषें इतनी आ गई हैं कि इसको बता नहीं पा रहे हैं। आमीन। सारे घर पे जो बंधन लगे हुए हैं, सारे प्रभु मसीह की वजह से सब खत्म हो गए। सारे बंधन खत्म हो गए। प्रेज द लॉर्ड। और क्या लिए, क्या लिया अभी? एल्टो गाड़ी ली है। हाँ जी। एल्टो गाड़ी ली है। क्या लिया है? अल्टो गाड़ी ले ली इन्होंने। क्या किराए पर ली है? नहीं सर, अपनी ली है प्रभु की वजह से। अपनी ले ली है। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए ध्यान से, इन्होंने वो पैसा किसके लिए इस्तेमाल किया? आज इनके पास अपनी गाड़ी है। क्या आप अपनी गाड़ी खरीद सकते थे? नहीं, कभी नहीं सोचा। हाँ जी। कभी नहीं सोचा ऐसा। कभी नहीं सोचा था। क्यों? क्योंकि घर में कलेश, भुखमरी, अकाल और दुष्ट आत्माओं ने पूरा घर जकड़ा हुआ था। ऐसे ही है। कभी कोई बाबा पैसे लेके जा रहा है तो कभी, पर एक दिन यीशु बाबा आ गया। यस। यीशु भी बाबा है। आमीन। लेकिन यीशु बाबा ट्रू है, सच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु बाबा ने पैसे मांगे नहीं, बल्कि पैसे देने शुरू कर दिए। आमीन। यस। लोग कहते जी पैसे दे के धर्म बदल देने, यीशु मसीह तुम किथी मिल जाए यीशु मसीह तो, वो तो मंगो की मांग सकते हो। देखना क्या देता है वो, जीवन देता है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु आपका आशीष दे। आपकी बेटी, आपकी बेटियां भी ठीक है? बहुत अच्छी है। पहले क्या था? पहले तो सभी दुष्ट आत्मा ने घेरा हुआ था, घर भी सारा परिवार घेरा हुआ था। कितने साल से आपकी बेटी को दुष्ट आत्मा ने घेरा हुआ था? 7 साल से। 7 साल से इनकी बेटी को दुष्ट आत्मा ने घेरे हुए था। कुछ पता ही नहीं चला अभी कैसे हो रहा है घर में, एक दूसरे में होता था पता ही नहीं चला उसका। क्या करती थी बेटी? बेटी का तो पता ही नहीं होता था, बस अंदर ही अंदर गुण की तरह खाया जा रहा था, पता ही नहीं लगा। कभी प्रकट होती थी? नहीं, कभी प्रकट नहीं हुई। जब हम चर्च में आए तब प्रकट हुई। देखिए 7 साल में कभी दुष्ट आत्मा प्रकट नहीं हुई, लेकिन जब ये यहाँ पर आए, परमेश्वर के पास आए, तो वो दुष्ट आत्मा प्रकट हो गई। और प्रकट भी हुई और इनके बेटी के जीवन को छोड़कर
चली भी गई। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के नाम की महिमा हो। आप बता रहे थे आपके घर के ऊपर कोई हथौड़ा बसता था। अब कुछ नहीं है, पहले हथौड़ा ठक ठक की आवाज बहुत आती थी, कभी इधर से कभी उधर से। जब हम एक दिन में कितनी बार आवाज आती थी? रात को तो सोने नहीं पड़ता था, जब बार बार खटखट। कितनी आवाज आती थी, मतलब वो कैसे आपको सुनता था? थोड़ा सुनता था, कितना सुनता? ठक ठक की आवाज आती थी, ठक ठक की आवाज आती थी। और आप सोते सोते उठ जाया करते थे? उठ जाते थे। कभी ऐसा भी होता था कि पता लगे भी? आप कभी देखने भी गए कौन? पहले तो पता ही नहीं चला भी क्या हो रहा है क्या नहीं, दिमाग में नहीं आया। तो कभी देखने गए छत पर कि कौन है? नहीं, कुछ नहीं मिलता था। नहीं, कभी पता नहीं था भी ये दुष्ट आत्मा हमारे घर में है या नहीं है, पता ही नहीं था। ये बाद में पता चला जब हम चर्च में जाने लगे तो दुष्ट आत्मा इनके घर की छत पर से आवाजें आती थी ठक ठक की। लेकिन जब से इन्होंने यीशु को अपना जीवन दिया है, ठक ठक की आवाजें भी बंद हो गई, खत्म हो गई। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है इनका घर पूरा दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ था। कौन से कोने में बताऊं जहां दुष्ट आत्मा नहीं थी? लेकिन अब कौन सा कोना आप सुनना चाहते हैं जहां यीशु की सामर्थ नहीं रहती? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे। जय मसीह सबको।